हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, 3 तारीख से 3 मार्च से जो है आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको देखनी है। ये इंपॉर्टेंट लिंक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020-21। तो यहाँ से जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक प्रीफेस खुल जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें कुछ लिंक्स दिए गए हैं, देख लिए, और कीज डेट यहाँ पर की डेट्स दी गई हैं। क्लोजिंग डेट है 2 अप्रैल, तो अप्रैल से पहले आपको 11:55 से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा सा क्या होता है, आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। देख लीजिए, सारी चीजें समझ लीजिए, और जो अप्लाई करने का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो आसानी से अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सीधा hpsc.government.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से अप्लाई करने के लिए जाना चाहे तो यहाँ से भी नीचे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको क्लिक हेयर टू रीड एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट सबने पढ़ रखी है, सबको पता है कि 156 पोस्ट है, क्या क्या कैसे है, सब कुछ पता है आपको। हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पे क्लिक करेंगे, एक नया आगे प्रीफेस ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, और मैं आप पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। टोटल 13 पेजेस है यहाँ पर, ये देख लीजिए, 1/13, टोटल 13 पेजेस है, पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए, चीजों को पता चल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो पढ़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब के लिए, HCS के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए प्रीलिम्स के लिए, स्टडी मटेरियल चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो आप हमारे फोन नंबर पर 9896160956 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी पता कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश जैसे एग्जाम में होती है आपको। चलिए, ये तो एक अलग चीज है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां भी दी गई है। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल, नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम और DOB, ये सारी आप 10th की जो DMC में है वो सारी चीजें डालेंगी। आपने क्या चेंज किया क्या नहीं वो बात की बातें हैं। 10th की DMC में जो चीजें दे रखी हैं आपको एज इट इज फिलअप करनी है। एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, एक फोन नंबर और मोबाइल नंबर, एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपको एक SMS आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने पास रखिए सारी डिटेल, क्योंकि वहां पर आपके जो है मार्क्स पूछे जाएंगे। स्कैन फोटो होनी चाहिए और एक सिग्नेचर होनी चाहिए आपके स्कैन, और उसके बाद आपको जो है उसका जो प्रिंट आउट है वो लेके अपने पास रख लेना है। फीस स्लिप अपने पास रख लेनी है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इन सब में से कोई ना कोई चीज होनी जरूरी है यहाँ पर। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ये तो था सब चीजें। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये वेबसाइट है, मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इस तरह का प्रीफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए आपको देखिए, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर कीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, नई रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपकी डिटेल पूछी जाएगी यहाँ पर, पोस्ट का नेम हरियाणा सिविल सर्विसेज, ये एक ही पोस्ट का नेम आएगा यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछा जाएगा, ये देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पर दी गई है। नेम ऑफ एप्लीकेंट आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, और यहाँ पर जनरेट OTP करना है। फिर ये कुछ कैप्चा दिया होगा, ये यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सॉरी, जब आप ये डाल देंगे उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर, ये जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर, उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद एक और यहाँ पर ऐसा कैप्चा आएगा, वो यहाँ पर एंटर करना है। इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपकी जो है ईमेल आईडी पे आ जाएगी, जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई है उस पर रजिस्ट्रेशन आपकी आ जाएगी, या फिर आपका जो फोन नंबर है मोबाइल नंबर है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आ जाएगी वहां पे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो एप्लीकेशन लॉग इन आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें आपकी ईमेल आईडी पे आई होंगी, वो यहाँ पर आप अप्लाई करें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे और आप लॉग इन कर देंगे। लॉग इन के बाद उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, घबराना नहीं है, इस पेज पे कुछ नहीं शो होगा। यहाँ पर दिया होगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाइए। ये सारे जितने भी फॉर्म्स हैं ये टाटा की कंपनी है, टाटा TCS वही अप्लाई करवा रही है, तो सारे यहीं पर प्रीफेस दिए होते हैं। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पर होता है सारा प्रीफेस, तो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जो भी डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है वो यहाँ पर आपको सारी एंटर करनी है, बिल्कुल सही एंटर करनी है, 10th की DMC के हिसाब से एंटर करनी है। मेरी एक बात ध्यान रख लो,
मान लीजिए 1 घंटा लग गया फॉर्म भरने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक गलती हो गई तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पसीने आ जाएंगे बहुत ज्यादा, आगे जाके आपको इसकी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एक छोटी सी मिस्टेक कि फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, या कुछ सिंह कौर का फर्क लगा रहे हो, कुमार यादव का फर्क लगा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो जो भी मिस्टेक हो रही है वो यहाँ पर आपकी बहुत मतलब कि आपको उसके लिए भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भर लीजिए और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर सेव कर देना है, सारी डिटेल जो मांग रहा है वो डिटेल एंटर कर दो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो स्कैन फोटो और अपलोड करनी है फोटो। इनका जो साइज है वो 80 to 200 KB के बीच में होना चाहिए फोटो का साइज, इससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या, आपको फीस के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको पहले प्रिंट कर लेना है और अपलोड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेक पेमेंट। प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद आपको फॉर्म अपलोड करना है साइन करके, तो आपको उसका प्रिंट निकाल के साइन करना है, साइन करके स्कैन करना है, स्कैन करके फिर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद वहां पर अपलोड हो जाएगा साइन, अपलोड होने के बाद ऐसा आपको वहां पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने है और यहाँ पर डेट और प्लेस एंटर करना है। अपलोड ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अपलोड हो जाएगा, फिर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां पर, यहाँ पर अपलोड करना है स्कैन जो साइन आपको दिया था कि जो आपने साइन किया है ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा मांगेगा और मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मेक पेमेंट में आपको जो है पेमेंट आपके हिसाब से पेमेंट कर देनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कौन सी आपके पास रिलैक्सेशन है, तो उसी के हिसाब से आपकी जो फीस आ जाएगी। जब आप वहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे वो बड़ी ध्यान से करना, कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो है फीस डिडक्ट होगी और कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो है फिर फाइनल मेरिट के अंदर आपके जो मार्क्स काउंट होंगे, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, पेमेंट इज डन। तो पेमेंट डन हो जाएगी तो ऐसा प्रीफेस आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर से पेमेंट स्लिप आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट स्लिप जो है डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप उसको संभाल के रखेंगे, आप उसका प्रिंट जरूर लें, आपकी जो पेमेंट स्लिप है उसका भी प्रिंट लें, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट होने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको जो है प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप लोग जो अपने पास रख लीजिए और उसके बाद अपनी जो है पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो मेरी एक बात मान लीजिए, छोटी सी दो चार बातें बता देता हूँ आपको अभी। चलिए, फॉर्म फिल हो गया सभी का, जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया मान लीजिए उनका 50% काम तो हो गया। कैसे, अगर आपने फॉर्म फिल करने की हिम्मत दिखाई है तो मतलब आप चाहते हो कि आप SDM DSP या फिर हरियाणा सिविल सर्वेंट बने, तो 50% काम तो आपने यहाँ पर अचीव कर लिया कि आपने सोच लिया है। उसके बाद आपको जो है 50% क्या करना है, हार्ड वर्क, और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड कम स्मार्ट वर्क करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए, आप पढ़िए किसी भी बुक से पढ़िए, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि स्टडी मास्टर के नोट्स लेके पढ़ो। जिनको चाहिए नोट्स की, हाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वो नोट्स ले सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो टेस्ट सीरीज जरूर अप्लाई करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होता है आपको जो एग्जाम का प्रेशर है वो फेस करने में हेल्प मिलती है, दूसरा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में आ सकते हैं, तीसरा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद की कमियां पता चलती हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो सारी कमियां आप दूर करेंगे तो टेस्ट सीरीज आपके लिए फिर हेल्पफुल हो जाएगी वहां पर। और टेस्ट सीरीज में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन का आगे जो है चार चार पार्ट होते हैं, चार चार ऑप्शन होते हैं, तो आपको वहां पर 400 ऑप्शन मिल जाते हैं, 400 स्टेटमेंट याद हो जाती हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, तो एक टेस्ट में आपके 100 टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो है काफी टॉपिक्स जो है टेस्ट सीरीज के थ्रू भी कवर हो जाएंगे। चलिए, आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप NCERT फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपके खुद के किसी ने नोट्स बना रखे हैं नोट्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप जो बुक्स हैं मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी, जिन्होंने नहीं देखी अभी तक बुक लिस्ट वो बुक लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन सी बुक्स से आप लोग पढ़ के जो है HCS का एग्जाम पास कर सकते हैं। वो बुक्स पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप दिन में 12 से 15 घंटे लगा रहे हैं तो वो बुक्स से भी आप जो है कवर कर पाएंगे सिलेबस। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपका सिलेबस 2 महीने में कवर नहीं होगा, हो जाएगा, बस 12 से 15 घंटे आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, बैठ के आप कर सकते हो। तो वो सब पढ़ के फिर उसके बाद आपको जो है टेस्ट देने हैं, डेली टेस्ट किया करो। आपको यहाँ पर अभी तक जो है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 4 मार्च के बना रहा हूँ, तो 4 मार्च को यहाँ पर 5 टेस्ट हो चुके हैं,
और एवरी वीक यहाँ पर एक टेस्ट मिल रहा है, और अप्रैल जब फॉर्म फिल हो जाएंगे अप्रैल के बाद एवरी वीक आपको दो टेस्ट मिलेंगे। तो सारे टेस्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट जनरल स्टडीज, सीसेट और करंट अफेयर के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है, किसी का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे फोन नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर हैं, वहां से जाके आप लोग ये इस नंबर पर फोन करके मैसेज करके पता कर सकते हैं। सैंपल चेक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग जो है टेस्ट सीरीज के सैंपल, स्टडी मटेरियल के सैंपल चेक कर सकते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हैं। फॉर्म फिल कर दीजिए, किसी की फॉर्म फिल करने में गलती हो गई है तो पूछ लीजिए कि सर ये मिस्टेक हो गई, अब मैं क्या करूं, तो बता देंगे कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो पहली बात मैं ये चाहता हूँ कि कोई गलती ना ही करे। इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए फ्री फ्री लेक्चर सीरीज यहाँ पर जो है 7 मार्च से शुरू हो रही है। फ्री लेक्चर सीरीज आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो रहेगा आपको जो है, मैंने अभी उसके लिए आपको बता रखा है कि वीडियो के ऊपर कमेंट करो। अभी वो उसमें काफी कुछ 500 से लेके 800 तक स्टूडेंट्स ने वोट किए हैं, उसमें कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश किए हैं, वो वोटिंग अभी काउंट हो रही है। जैसे उसका रिजल्ट आ जाएगा हम वो लेक्चर सीरीज शुरू कर देंगे 7 मार्च से। 6 मार्च तक जितने कमेंट हो गए उस वीडियो पे उसके हिसाब से हिंदी के अंदर प्रोवाइड करवानी है, इंग्लिश के अंदर, वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, आपको जो है लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एक क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो तो है हमारी लेक्चर सीरीज, इसमें आपको जो है पढ़ाया जाएगा बुक से या फिर किसी बुक से या फिर नोट से आपको स्टडी करवाई जाएगी कि ये टॉपिक है, टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, वो तो है लेक्चर सीरीज। इसके अलावा हमारी एक क्वेश्चन सीरीज चल रही है। क्वेश्चन सीरीज में क्या है, डेली क्वेश्चन करवाए जाते हैं, डेली एक वीडियो होती है। इसके अभी तक टोटल 25 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एक है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, तो ये सभी चीजों के लेक्चर वहां पर मिल रहे हैं। डेली एक टॉपिक उठाया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 50 बने, चाहे वो 10 बने और चाहे बने वो 100, एक ही लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाते हैं। और वो आपको बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, सारा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन सीरीज हिंदी में है, तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है इनके लिए तो ये रामबाण है। तो भाई रामबाण मिल रहा है तो उसको यूज करो, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली आपको 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो कर लिया करो। काफी चीजें लेक्चर के दौरान बताई जाती हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो अगर 20 से 25 मिनट डेली लगा सकते हो तो जरूर देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।